Welcome back. Information and Broadcasting Minister Venkaiah Naidu and BJP leader Manoj Tiwari are holding a Vijay Vikas Yatra in Delhi. Let's go live there. इनके रात में इनके घर में मैं आया था खाना खाने सर, इनके रात घर में मैं रात 12:30 बजे खाना खा के निकला और इतना अच्छा खाना खियोले बड़ा किया वहीं ले हमारे मन ताजा बाटे। हम आप सभी को ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपने जो प्यार दिखाया है, बताइए ये तो एक बस का एक यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। ये यात्रा का शुभारंभ हम 14 पंथ मार्ग भाजपा कार्यालय से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ हम नहीं आते। तो ये जो हमारी बहन बेटियां घरों पे खड़ी हैं, वो जो दाहिने तरफ हमारी कोई बहन बैठी है, कोई दुकान के अंदर बैठा है, यहाँ जो छाया में खड़े हैं, हम आपके दर्शन कैसे कर पाते। और आपके आशीर्वाद से, आपके नजरों के आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से जो शक्ति मिलेगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सिर्फ रजौरी गार्डन संभाल लीजिएगा। रजौरी गार्डन से हमारे मनजिंदर सिरसा जी, जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, बाकी पार्टियां आईसीयू में भर्ती हो जाएंगी। और यहां जो हमारे चारों कैंडिडेट खड़े हैं, किधर है जरा एक बार उनको हम अपने सामने दिखा दें। ये हमारे चार है या छह हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, ये श्वेता सैनी जी, सविता यादव जी, नम्रता डंग जी, सतपाल खेरवाल जी, रीता ओबराय जी, और ये सब नाम हमको हमारे छोटे भाई प्रवेश वर्मा बता रहे हैं, और हमारे मनजिंदर सिरसा जी। इन सभी लोगों को आप रजौरी गार्डन संभाल लीजिएगा। हम आदरणीय वेंकैया जी के सामने अपने महामंत्री रविंदर, अरे कैसे रह गए इनका पूरा नाम गगन सानी जी, और गगन सानी जी सहित आप केवल रजौरी गार्डन संभाल लीजिएगा। पूरी दिल्ली से मैं आज आपको इस बात का पूर्वानुमान दे देता हूं कि 272 में हमको पूरा विश्वास है कि हम 250 से ज्यादा सीट जीत करके एमसीडी में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का पालन करने के लिए टीम तैयार कर। मंजित, यू आर लिसनिंग टू दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी कैंपेनिंग फॉर बीजेपी कैंडिडेट्स अहेड ऑफ द रजौरी बाईपोल।